हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ सुरक्षित होंगे और अपनी दुनिया में बहुत ही खुश होंगे। हो गई है मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च दोनों को मिला के काटा है सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ पे बाबू बहुत तंग कर रहा है, इसको खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैं भी छोड़ दी हूँ इसको थोड़ा सा खेलने के लिए। इसको सामने में रख के ही किसी तरह से मैंने सब्जी को काटा है जैसे तैसे, और यहाँ पे बस बैठी हुई हूँ तो बाबू पूरा सब्जी को पूरा फेंकने में लगा हुआ है और उसके साथ में पूरा खेल रहा है और छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। बार बार बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन छोड़ता ही नहीं है। और यहाँ पे तेल को दे दिए थे गरम होने के लिए कढ़ाई में, तो तेल गरम हो गया था, तो यहाँ पे मिर्चा और प्याज को दे दिए हैं काट के। तो यहाँ पे पत्ता गोभी और शिमला मिर्च का सिंपल सा सूखी सी सब्जी बना रहे हैं, तो टमाटर को भी काट के दे दिए हैं और नमक डाल के इसको दे देंगे पकने के लिए। और उसके बाद में जब यह थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो डेली मसाले यूज करती हूँ उन सभी मसालों को देकर इसकी सूखी सब्जी बनाऊँगी। और बाबू को गोदी में रख के ही सब्जी को पकने के लिए देना पड़ा था क्योंकि ये रह नहीं रहा था, तो फिर एक हाथ में बाबू को पकड़ लिया और एक हाथ से सब्जी को बनाने का काम कर रहे थे। कभी कभी छोटे बच्चे के साथ में घर के कामों को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो छोटे बच्चे के साथ में घर के भी काम करने पड़ते हैं और बच्चे को भी संभालना पड़ता है, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है काम करने में। और इधर मेरी सब्जी बन गई है और एक तरफ मैंने रोटी सेकने के लिए चढ़ा दिया है। और अभी बनाने जा रहे हैं नमक पारे, तो इसको तो हम लोग निमकी बोलते हैं और यश की डिमांड थी तो इसलिए बनाना ही पड़ेगा। और बच्चा कुछ बोल दे तो माँ को तो करना ही पड़ता है, और बच्चा कुछ बोल दे और माँ पूरा ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे नमक डाल दिए हैं मैदा में और उसके बाद में यहाँ पे अजवाइन को भी अच्छे से रगड़ के डाल दे रहे हैं और रिफाइन का तेल लिए हैं। रिफाइन का तेल को भी हल्के हल्का करके डालेंगे और उसके बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे, पूरा अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। और उसके बाद में जब ये बंधने लगेंगे मैदा अच्छे से, तो उसके बाद में पानी लिए हैं गुनगुना पानी, वही गुनगुना पानी से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैदा में पूरा अच्छे से रिफाइन तेल को पूरा मिला लिए हैं और ये अच्छे से मिल गया है, तो अब इसमें गुनगुना पानी लिए हैं और गुनगुना पानी से ही इसका आटा तैयार कर लेंगे। और आटा जो होता है वो थोड़ा सा सख्त ही रखते हैं। तो यहाँ पे आटा को गूंथ लिए हैं और इसको थोड़ा देर के लिए ढक के छोड़ देंगे, कम से कम 15 मिनट के लिए। और उसके बाद में इसको बेल के काट काट के निमकी का शेप दे देंगे। आप जैसा शेप चाहते हैं उस तरह का शेप दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लंबे लंबे काट के बीच बीच से काट देते हैं चाकू की सहायता से। तो एक बार में मुट्ठी भर में करके डाल दे रहे हैं और ये चिपके हुए रहते हैं, लेकिन तेल में जाने के बाद में फिर पकते जाते हैं और ये आपस में अपने आप निकलते जाते हैं, अलग अलग होते जाते हैं। तो उसके बाद में सबको अच्छे से हल्के आंच में फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद में निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से सभी निमकी को फ्राई करके निकाल लेंगे।
और निमकी वगैरह बनाने के बाद में पूरा थक गए थे, तो और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो जब भी ऐसा मन करता है तो बस दाल में आलू डाल देते हैं और इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये खेतों के नए नए आलू अभी निकल रहे हैं, तो इसका छिलका जो होता है वो बहुत ही पतला होता है, हाथ से रगड़ो तो आराम से छूट जाता है। तो बस यहाँ पे दाल को धो के आलू और दाल को मिला के एक ही बार में बॉईल कर लेंगे और उसके बाद में इसको छौंका लगाएंगे। दाल मेरा पक गया है और दाल से आलू को निकाल लिए हैं और बस इसको छौंका लगाने का है। तो आज कढ़ाई में छौंका लगाएंगे। तो तेल गरम हो गया, सरसों का तेल, तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया। जीरा जब चटक गया तो उसके बाद में लहसुन को डाले हैं, लहसुन को तोड़ के डाले हैं, और हरी मिर्च है उसको भी थोड़ा सा काट लिए और डाल दिए। और जब ये सब पक गया तो उसके बाद में थोड़ा सा एक तेजपत्ता है उसको डाल दिए हैं, और फिर कटे हुए प्याज है इसको भी डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर टमाटर भी काट के रखे हुए थे तो टमाटर को भी डाल दे रहे हैं। और टमाटर को अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और नमक दाल में भी डाले थे इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। और उसके बाद में इसको अच्छे से मिला लेना है, और फिर जब टमाटर थोड़ा सा गल जाता है तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बस एक चम्मच छोटा चम्मच में एक चम्मच सब्जी मसाला को डाल रहे हैं और इसको भी अच्छे से पका लेंगे। और जब ये पक गया तो उसके बाद में कटे हुए धनिया के पत्ते हैं उसको भी डाल देंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और उसके बाद में ये जो पका हुआ मसाला है इसको थोड़ा सा लेंगे, आलू का चोखा में डालेंगे, इसको बनाएंगे और दाल को डाल दे रहे हैं। और उसके बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा कुकर को धो लेंगे और वही पानी को इसमें डाल देंगे ताकि दाल जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। और यहाँ पे मेरी आलू की चोखा भी बनके रेडी हो गई है। तो आज का व्लॉग मेरा बस यही तक का था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।